इब्रानियों का पांचवा अध्याय पहले चार पद को देखेंगे जल्दी से. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है, और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे. जी. और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता. और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं कोई लेता, अपने आप से नहीं लेता. और ये आदर और ये कैसा पद है, कैसा पद है, ये आदर का पद. और ये आदर का पद कोई अपने ऊपर खुद से नहीं लेता, बल्कि जब तक कि हारून की नाई जी परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, परमेश्वर की ओर से ठहराया नहीं जाए. सो मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को कलीसे में पाते हैं तो एक आदर की बात है. अगर आप यीशु को जानते हैं तो ये आदर की बात है. अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो ये आदर की बात है. अगर आपके जीवन को छुआ जा रहा है परमेश्वर के द्वारा और परिवर्तन आ रहा है, सो ये आदर की बात है. आमीन. ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़े आदर की बात है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जो है वो आपकी सुधि ले रहा है और आपकी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दे रहा है, और उसकी निगाहें आपके ऊपर है. इट इज़ अ थिंग ऑफ ऑनर. ये इज्जत की बात है. आमीन. हालेलुया. सो परमेश्वर ने हमको इज्जत दी है और होने पाए कि हम भी उसको इज्जत वापस करने पाए. हालेलुया. जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है मेरे प्रियो, हम उसको खाली मत जाने दें, हम उसको खाली मत जाने दें. जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम्हें ऐसे बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हो, राइट, इतनी ढेर सारी गवाहियां हमारे जीवन में हैं, सो हम कोशिश करें कि हम एक सीधी चाल को परमेश्वर के साथ में चलने पाए, सीधी चाल को परमेश्वर के साथ में चलने पाए. पांच बातें बहुत आवश्यक हैं और वो बात मैं आपसे अक्सर कहता हूँ. पांच बातें जीवन में हमारे होना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा उसको रिमाइंड करता रहूँगा. हर कुछ दिन बाद में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा. नंबर वन चीज़ है प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में ढेर सारा समय बिताना. प्रतिदिन, एवरी डे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिन में, सुबह नहीं, शाम को नहीं, नहीं, दिन में जितनी बार हो सकता है, जितनी बार आपको मौका मिल सकता है आप पढ़ सकते हैं. अब तो बहुत खूबसूरत बात है, हमारे फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में हम पूरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हम बाइबल को पढ़ सकते हैं. आप जहां कहीं भी हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार में हैं, पाँच मिनट का समय एक अध्याय पढ़ सकते हैं. एक अध्याय को पढ़ने के लिए नॉर्मली 3 मिनट की आवश्यकता होती है, 3 मिनट, राइट. आप कहीं जा रहे हैं 3 मिनट तो लेट हो ही सकते हैं, कई बार तो 30 मिनट लेट हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, राइट, 30 मिनट लेट हो जाते हैं और कोई असर नहीं होता है. 3 मिनट तो आप लेट हो सकते हैं. आप वचन को उठाएं और आप दिन में मल्टीपल टाइम ढेर सारी बार आप पढ़ सकते हैं. जैसे ढेर सारी बार आप व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, राइट, वैसे आप कई बार वचन को पढ़ सकते हैं. सो हम परमेश्वर के साथ ढेर सारा समय बिताएं प्रतिदिन, हर संडे अपने आप को कलीसिया में पाएं. अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने छुटकारे के लिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने परिवर्तन के लिए, प्रति संडे कलीसिया में आना है. तब तक कि नहीं जब तक कि आपको आशीष मिल जाए, पर उसके बाद भी है ना. कुछ लोग की वफादारी उस दिन तक की होती है जब तक कि हमको आशीष ना मिल जाए, राइट. कुछ लोग की वफादारी जो है वो उस दिन तक की होती है जब तक कि हमको आशीष नहीं मिल जाए. बस हमको मिल गई, अब हम आजाद हो गए, हम फ्री हो गए, राइट. अब फिर कभी कोई आवश्यकता होगी तो फिर कलीसिया जाना शुरू करेंगे. अब फिर कभी कोई आवश्यकता होगी तो फिर कलीसिया जाना शुरू करेंगे. कलीसिया वो स्थान नहीं है, कुछ और ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे आप चीज़ों को उस प्रकार से लेके चलते हो, पर कलीसिया ऐसा स्थान नहीं है. कलीसिया एक परिवार है और परिवार में आपको हमेशा बने रहना है. आमीन. सो प्रतिदिन ढेर सारा समय बिताएं, हर संडे कलीसिया में निकल करके आएँ, और अपने हर किस्म के पाप से आप दूर रहने पाए. हर वो बात जो गलत है, एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग, हर वो बात जो गलत है वो आपसे दूर होना ज़रूरी है. हर वो बात जो गलत है वो आपसे दूर होना ज़रूरी है. आमीन. अपने दान, अपने दसवांश, चौथी नंबर की चीज़ आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए. इन पांचवी चीज़ आपके जीवन में एक गुरु होना आवश्यक है. यू नीड अ मेंटर, एक भविष्यता,
एक परमेश्वर का जन आपके जीवन में होना आवश्यक है, जिसके पास में आप आकर के अपने दिल की बातों को कहें ताकि आपके जीवन में छुटकारा आने पाए। आमीन। हालेलुया। सब कोशिश करें कि हम इन कामों को निरंतर करते रहें जैसे आपने सीखा है। आप सीखें और आप आगे की ओर बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू सो मच।